हेलो एवरीवन टुडे वी विल सॉल्व चैप्टर फाइव बर्ड्स बीक्स एंड क्लॉज लेट्स बिगिन विथ समथिंग टू नो ए फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट वन इज बर्ड डू नॉट हैव टिथ टू ईट फूड इट मीन्स की बर्ड के पास टिथ नहीं होता है खाना खाने के लिए सेकंड सन बर्ड सक नेचर फ्रॉम फ्लावर्स थर्ड ए डक हैज़ ए फ्लैट एंड ब्रॉड बीक्स Fourth, a pigeon uses its webbed feet to swing. Fifth, crane and jacana are wedding birds. Next is match the following. First one is sunbird. Sunbird probing beak Eagle Perching and Tearing Beak. Parrot, curved beak, duck, shifting beak.

फर्स्ट क्वेश्चन इज वट डू बर्ड यूज फॉर बर्निंग देयर फेदर आंसर बर्ड यूज फॉर बीक बर्निंग देयर फेदर बर्ड क्या यूज करता है बीक्स सेकेंड इज हाउ इज ए क्रशिंग बीक हेल्पफुल टू अ पिजन आंसर पिजन यूज इट फॉर क्रशिंग सीड्स एंड ग्रेन्स एंड देयर बाय Make them soft before eating. Third is what are claws? Claws are the long curved nails present on the feet. Next, fourth is name three birds of prey. Answer The three birds of prey are eagle, vulture, hawk. Next question, question number five. वट प्रिवेंट द बॉडी ऑफ क्रेन एंड जैकाना फ्रॉम सिंकिंग इन वॉटर मीन्स कि जो बर्ड है क्रेन और जैकाना उसको पानी में डूबने से क्या बचाता है आंसर इज क्रेन एंड जैकाना हैव लॉन्ग लेग एंड वाइड स्प्रेडिंग टो मीन्स की क्रेन और जैकाना के लॉन्ग लेग होते हैं वाइड स्प्रेडिंग टो होते हैं प्लीज हेल्प देम टू वॉक इन शेलो वॉटर एंड मर्ड ये उनको हेल्प करते हैं शेलो वाटर और मर्ड में चलने में द वाइडली स्प्रेड आउट टो प्रिवेंट देयर बॉडी फ्रॉम सिंकिंग इन द वाटर जो वाइडली स्प्रेड होता है उनका पैर वो पानी में सिंकिंग होने से उन्हें बचाता है नेक्स्ट ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन राइट टू मेन यूजेस ऑफ बीक ऑफ ए बर्ड दो यूज बताना है बीक का बर्ड का आंसर द टू मेन यूजस ऑफ बीक आर फर्स्ट बीक आर यूज टू टीयर बाइट चिजिल और क्रश द फूड मीन्स की जो बर्ड का जो बीक होता है वो टेयर मतफाड़ना बाइट करने में काटना चिजिल या खाने को क्रश करने में हेल्प करता है सेकेंड बीक आर यूज फॉर बर्निंग द फेदर फेदर को साफ करने में भी बीक हेल्प करता है क्वेश्चन नंबर टू हाउ आर क्लॉज हेल्पफुल टू अ बर्ड मीन्स की जो क्लॉज होता है वो हेल्पफुल कैसे होता है बर्ड के लिए आंसर क्लॉज आर यूज फॉर क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग के लिए यूज होता है प्रोटेक्टिंग के लिए खाने को होल्ड करने के लिए स्विमिंग करने के लिए एंड परचिंग करने के लिए क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डज ए शेलो कैच इट्स फूड जो शैलो होता है वो अपने खाने को कैसे कैच करता है आंसर ए शोलो हैज ए स्मॉल ब्रॉड एंड स्टिकी बीक उसका स्मॉल छोटा सा ब्रॉड और स्टिकी बीक होता है द बीक इज स्टिकी फ्रॉम इनसाइड अंदर से वो जो बीक होता है वो स्टिकी होता है दिस हेल्प द शैलो टू कैच फ्लाई वाइल्ड फ्लाइंग इस ये हेल्प करता है जैसे कोई भी कीड़ा वगैरह फ्लाई कर रहा है तो उसको पकड़ने में क्वेश्चन नंबर फोर हाउ टू वेब्ड फीट हेल्प ए डग टू स्विम वेब्ड फीट जो होता है वो डक को कैसे हेल्प करता है स्वीम करने में आंसर डक्स हैव फीट फीट हेल्प टू दे यूज देयर टू पैडल एंड पुश द वॉटर वाइल्ड स्विमिंग जो डक का जो फीट होता है वो वेब्ड होता है वो उसको हेल्प करता है पानी में पैडल करने में और पानी को पीछे की तरफ पुश करने में क्वेश्चन फाइव वॉट टाइप ऑफ फीट डू द स्क्रैचिंग बर्ड हैव स्क्रेचिंग बर्ड का फीट कैसा होता है आंसर स्क्रेचिंग बर्ड हैव स्ट्रोंग फीट विथ थ्री टोज इन द फ्रंट एंड वन एट द बैक जो स्क्रेचिंग बर्ड्स होते हैं उसके स्ट्रोंग फीट होते हैं तीन आगे की तरफ होते हैं और एक पीछे की तरफ होता है ईच टो हैज ए शार्प क्लॉथ टू स्क्रेच द ग्राउंड इन सर्च ऑफ सीड्स एंड इंसेक्ट प्रेजेंट इन द दॉल सारे जो होते जितने भी उसके टो तो होते हैं वो बहुत शार्प्ड होते हैं ये खाने को सर्च करने में लाइक like सीड को सर्च करने में या इंसेक्ट्स को सर्च करने में हेल्प करता है सॉइल में